हाय राधे राधे, हर हर महादेव, जय सियाराम। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही आपके लिए अच्छा होने वाला है, लाभदायक होने वाला है। पूरा वीडियो देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं राधा रानी की कृपा से। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आज का जो वीडियो है ना, बहुत ही खास, बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्योंकि मैं उससे पहले मैं बता दूं, मैं भी इसका जप करता था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला मैं छोड़ दिया जप करना है। नाम जप करता था, नाम तो एक डेढ़ साल से ऊपर हो गया नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन महादेव ने ही मुझे नाम दिया है तो मैं उनका ये जप करता था, लेकिन जब से पता चला मैं छोड़ दिया। क्योंकि इस जप से आपको लाभ कम हानि ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो है क्या, क्या हम लोग, क्या आप लोग पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं, मतलब ऐसे ही कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पंचाक्षरी मंत्र जो है एक वैदिक मंत्र है। पंचाक्षरी मंत्र कोई ऐसा वैसा मंत्र नहीं है, साधारण मंत्र नहीं है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। तो आप इसका जप ऐसे ही नहीं कर सकते। हाँ, कोई अगर शिव की उपासक है तो आप उनसे गुरु मंत्र, क्योंकि ये मंत्र गुरु के द्वारा ही आप लोग जप कर सकते हैं, गुरु से लीजिए और इसका जप कीजिए। नहीं तो आप लोग ऐसे ही जप करेंगे तो आपको लाभ कम हानि ही ज़्यादा हानि मिलेगा। हम भी जप करते थे, लेकिन हमको आइडिया नहीं था, पता नहीं था। जैसे जैसे, वही तो बोलेंगे, धार्मिक आध्यात्मिक में आप प्रवेश करेंगे, इस सब चीज़ के बारे में रुचि रखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन आजकल किसी और चीज़ में रुचि लोग रखते हैं, सबका अपना अपना जगह है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं इसलिए मैं सोचा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊं, ताकि मैं तो रुक गया और भी कोई रुक जाए। तो आप पंचाक्षरी मंत्र का आप ऐसे जप नहीं कर सकते हैं जब तक तो गुरु मंत्र नहीं लीजिएगा। हाँ, नाम जप कीजिए, भजन कीर्तन कर सकते हैं। अगर महादेव का कोई नाम जप करना चाहते हैं तो कोई महादेव के उपासक है तो आप उनसे नाम ले सकते हैं, या अपना मन से कोई नाम उनका जप कर सकते हैं। लेकिन आप पंचाक्षरी मंत्र का जप नहीं कर सकते हैं जब तक आप गुरु मंत्र नहीं लीजिएगा तब तक, क्योंकि एक साधारण मंत्र नहीं है, शिव को प्रसन्न करने वाला मंत्र है। तो पता नहीं होता है, लोग जपते हैं लेकिन आजकल क्या होता है कि अरे यार वो तो कुछ बोल रहे हैं, किस किस का बात मैं ध्यान दूँ। मैं बोलूँगा कि आप लोग प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए और रिसर्च कीजिए, पता करवाइए, उसके बाद करिए। क्योंकि बिना जाने कोई भी मंत्र नहीं जपा जा सकता। जब किसी के बारे में पता ना हो, धीरे धीरे सब कुछ पता चलता है, तो आप लोग ना जप करें, क्योंकि उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। पंचाक्षरी मंत्र के बारे में हमको नहीं पता था तो मैं भी जप करता था, लेकिन जब से जाना मैं छोड़ दिया। गुरु मंत्र अगर आपको मिल जाएगा तो आप लोग इसका जप कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे जप मत कीजिए, नहीं तो इसका उल्टा प्रभाव हो सकता है। क्योंकि बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, इसको अपवित्र अवस्था में तो जपा ही नहीं जाता है, लेकिन आजकल लोग तो जपते हैं। तो आप लोग भूल से भी पंचाक्षरी मंत्र का जप ना करें, गुरु मंत्र लेके ही जप करें। अगर आप लोगों को नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग रिसर्च कीजिए, इसके बारे में पता कीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हमको भी पता नहीं था, हमको भी पता चला। हमको जो देखते हैं, जिसको जप करते हैं, मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेरे अपने घर में ही कोई जप करते हैं तो मैं बोलता हूँ ये जप न करके दूसरा करें, क्योंकि ये गुरु मंत्र लेने के बाद ही आप लोग इसका जप कर सकते हैं। क्योंकि ये मंत्र बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, आप इसका जप ऐसे नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं सोचा कि मैं क्यों ना इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाए। क्योंकि ये जो मेरे फैमिली हैं, इन लोगों का मैं भला चाहता हूँ, तो इनका भला भला ही हो। तो इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, समझने की कोशिश और शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को समझ में आए। अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट में फिर से आप बोलिए, मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तब भी ना समझ में आए तो आप लोग इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, किसी बड़े बड़े मतलब बड़े पंडित, बड़े ज्ञानी से आप लोग से पूछ सकते हैं। लेकिन आजकल कोई मानते नहीं हैं, मनमानी करते हैं और पढ़ने लगते हैं अपना मन से। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझिए। और मैं तो छोड़ दिया हूँ, आप लोग भी पंचाक्षरी मंत्र का जप नहीं करिए, क्योंकि बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, गुरु के द्वारा ही इसका जप करें। तो आई होप वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू। राधे राधे, जय सियाराम, हर हर महादेव।